कमाल बेलिया है बेमिसाल बेलिया, मैं तेनू तक न जावा ये दिल तुझको ही दे दिया। बाय द वे, तुमने जो भी ये सॉन्ग सुना है बेलिया, ये मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, ऊपर लिंक आ गया होगा। इसी तरह मेरे दो और ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं मेरे चैनल पे, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में होंगे। जरूरी है। हेलो एवरीवन, तो कैसी है आप सबकी तबीयत? तो कोरोना वायरस की वजह से यार आजकल ये जो अपना चल रहा है इन दिनों फोग के अलावा भाई वैलेंटाइन, हाँ तू और जले पे नमक छिड़क। अबे आजकल तो कॉन्टिनेंट चल रहा है ना। अबे कॉन्टिनेंट नहीं कहते उसे यार, अपना यार जिसमें सबकी फटी पड़ी होती है और सब घर पे बैठे रहते हैं यार। एक सेकंड मैं खुद सर्च कर लेता हूँ। क्वारंटीन, तो क्वारंटीन की वजह से जैसे कि सब घर पर ही होते हैं, मैं भी घर पर ही था। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सुबह वॉशरूम में बैठा हुआ था एंड मुझे एक आइडिया आया। आइडिया ये था कि क्यों ना स्कूल डेज और कॉलेज डेज को रीविजिट कर लिया जाए। अब रीविजिट तो सिर्फ बातों से होगा नहीं, तो उसके लिए हमें थोड़ा पुराना पिटारा खोलना पड़ेगा, यानी स्कूल और कॉलेज डेज की कुछ चीजें। तो चलते हैं और आज थोड़ी सी मेमोरीज ताजा करते हैं। तो मैंने कुछ ये चीजें निकाली हैं स्कूल और कॉलेज की, तो अभी इन्हें रीविजिट करते हैं और थोड़ी पुरानी यादें ताजा करते हैं। तो मैं ये कुछ चीजें ले आया हूँ रीविजिट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताता चलूँ। तो वो हिस्ट्री कुछ ये है कि जो मैंने नर्सरी एंड KG1 की थी वो की थी सेंट फिलिप्स हाई स्कूल से। उसके बाद लकी चार्म सेंट पॉल स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ KG2 क्लास से, एंड KG2 से मैंने मैट्रिक वहीं स्पेंड की है, सारे साल मेरे वहीं हैं। अब जो पहली चीज़ मैं निकालूंगा वो है मेरी नर्सरी से रिलेटेड, शालू मेलफेड 2.0। इतना मासूम बच्चा, खैर मासूम तो अभी भी हूँ, बट ये पिक्चर है मेरी क्लास नर्सरी की। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि नर्सरी में जब मेरा एडमिशन हुआ था और जो सबसे पहला दिन था स्कूल का, मैं स्कूल स्टार्ट होने से 2 घंटा पहले सबसे पहले उठ गया एंड रेडियो के बैठ गया कि मुझे स्कूल छोड़ गया हो। मतलब लोग डरते हैं, लोग रोते हैं, बट मुझे एक्साइटमेंट थी। अब दूसरी चीज़ जो है वो भी एक पिक्चर ही है, एंड वो है क्लास KG2 की जब मेरा एडमिशन हुआ था सेंट पॉल स्कूल में, शालू मेलफेड 2.0 फिर से, बट इस बार स्माइल के साथ। एंड यहाँ मेरा एडमिशन हुआ था सेंट पॉल स्कूल में क्लास KG2। स्कूल जाना मुझे शुरू से ही पसंद है, आई गेस ये शायद मेरे फर्स्ट डे की पिक्चर थी एंड मैं बहुत खुश था। एज यू ऑल कैन सी, गुड स्टूडेंट होने के साथ साथ आई वॉज अ पोजिशन होल्डर टू। मैं नर्सरी से लेके क्लास 6 तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता रहा, आई वॉज अ पोजिशन होल्डर। बट उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि हायर स्टडीज थी तो उस वजह से मैं थोड़ा बिलो एवरेज, क्यों कह रहा हूँ मैं, एवरेज से भी थोड़ा ऊपर, अबव एवरेज, बट पोजिशन होल्डर नहीं। एक फैक्ट ये है कि जब इंसान छोटा होता है ना स्कूल में, उसका दिल चाहता है कि वो जल्द से जल्द मैट्रिक में जाए, ताकि स्कूल के मतलब कि सबसे बड़ी क्लास में वो हो, एक शशका है यानी बदमाशी टाइप, समझ रहे हो बात। बट लोग मैट्रिक पे क्या कहते हैं, बदमाश बनते हैं ना, बदमाशी का जो उनका ड्रीम होता है। हमारा उल्टा था, हमारा बैच जो था वो बहुत डिसेंट बैच था, 9-8 से भी ज़्यादा डिसेंट हमारा बैच था एंड काफ़ी अच्छा बैच रहा। तो मेरे पास मैट्रिक से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं एंड काफ़ी मेमोरीज हैं, गिफ्ट्स हैं ऐसे जो मुझे मिले थे लास्ट डे पे, तो अब थोड़ा उन्हें रिविजिट करते हैं। बट उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि मैंने बताया कि मैं पोजीशन होल्डर से थोड़ा नीचे आ गया था, बट 9 और 10 में वापस भाई ने ए ग्रेड दिया। होता ये है कि जब इंसान अपने 9 और 10 के एग्जाम्स देता है ना, तो फटी पड़ी होती है कि यार रिजल्ट क्या आएगा। 9 में खास तौर पर जब रिजल्ट आता है, अनाउंस होता है, ओहो फटी पड़ी होती है। भले एग्जाम्स बहुत अच्छे जाए, एग्जाम्स अच्छे गए थे, रिजल्ट भी अच्छा आया था 9 और 10 में। एक फैक्ट ये भी है कि 9 और 10 में इंसान का अच्छा ग्रेड आ जाता है, बी और ए ग्रेड आ जाता है, बट डर ये भी होता है कि क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं पढ़ के भी ना अपने ओन वर्ड्स में लिख के आता हूँ, तो मुझे डाउट था कि यार वो मुझे मार्क्स देंगे या नहीं, बट आई वॉज हैप्पी विद माई रिजल्ट। अब स्कूल लाइफ की जो सबसे बेस्ट यादें होती हैं वो तो होती हैं मैट्रिक के डेज, मैट्रिक की मेमोरीज, लास्ट डे। तो उसी से रिलेटेड अब मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने दी थी, तो उन्हें मैं रिविजिट करना चाहूँगा और मुझे बहुत अच्छा एक नॉस्टैल्जिया फील आ रहा है ये देख के। सारी मेरे पास चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं, अब ज़रा
चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं दिखाऊंगा वो है मुझे मलिहा का दिया हुआ गिफ्ट। प्रेजेंटेशन है एक ऐसी होती है मेरे स्कूल की शर्ट आफ्टरनून शिफ्ट की। आई वॉज एन आफ्टरनून शिफ्ट। रेड कलर का यूनिफॉर्म जैसे मैंने थोड़ी देर पहले शर्ट दिखाई थी वो थी KG 1 एंड KG 2 की। 1 से मैट्रिक तक ये ब्लू शर्ट होती है एंड ये मुझे बना के दिया है मलिहा ने। इज़ माई फ्रेंड, अभी भी अच्छी बातचीत है उससे, स्कूल टाइम में भी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। तो ये लास्ट डे पे मुझे उसने दिया था। ये ओपन करते थे तो उसने अंदर ही पिक्चर डाली हुई थी एंड पिक्चर्स भी मैं अभी दिखाता हूँ। खुशालूम, ये एक कोलाज बना के दिया था मुझे मलिहा ने। थैंक यू सो मच मलिहा। अब दूसरी चीज़ जो है मेरे पास वो है एक मेटल का फ्रेम जो कि मुझे मेरे फ्रेंड शिराज ने दिया था एंड ये मेटल का है, हैवी भी बहुत है एंड उसके अंदर दो पिक्चर्स हैं कोलाज। ये शिराज है एंड ये पिक्चर है हमारे एक कॉलेज में सिल्वर जुबली हुई थी जहां हमने डांस परफॉर्मेंस दिया था। तो ये पिक्चर और ये पिक्चर दोनों की वही हैं। थैंक यू सो मच शिराज फॉर दिस। यार मैं बता नहीं सकता मुझे अभी कितना अच्छा लग रहा है रिविजिट करके। बहुत ना मतलब वो सारी जहन में चीज़ें आ रही हैं जो मैट्रिक में हुई हैं। थर्ड चीज़ जो है वो भी एक फ्रेम है मेरे पास पिक्चर का जो कि आई थिंक मुझे नताशा ने दिया था, नाम नहीं लिखा हुआ है। एंड ये मतलब डिज़ाइनिंग भी चेक करो यार, फुल शशके टू शालूम भाई, भी इतना बुरा दिखता हूँ क्या। खोलते ज़रा इसे भी। एंड ये भी हमारे कॉलेज के फंक्शन की, मैट्रिक के फंक्शन की पिक्चर है एंड ये है नताशा जिन्होंने मुझे दिया था ये। मैं अभी यार मेरे पास ना एक्चुअली ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी बट अभी मैंने सेट नहीं की थी, तो अभी मैं सेट भी करूँगा थोड़ी देर में। जो स्कूल डेज होते हैं ना वो फिर वापस नहीं आते, कॉलेज लाइफ फिर भी चलो एवरेज चली जाती है बट स्कूल लाइफ इज द बेस्ट। लास्ट चीज़ जो है मेरे पास वो है मुझे हमाद की दी हुई चीज़, वो भी एक पिक्चर है, उसने भी कोलाज बना के दिया था एंड ये है कोलाज। इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, स्कूल मेमोरीज फ्रॉम वाजा टू शालू। आगे एक थोड़ा ना इनसाइड जोक लिखा हुआ है। स्कूल के ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी अभी भी बातचीत है, ऑलमोस्ट सबसे ही है। तो ये थी मेरी कुछ मैट्रिक की मेमोरीज। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार शालू उन्होंने तो दिए, तूने क्या दिया उनको। दिखाता हूँ। अब मैंने काफ़ी फोटोज जो है ना अपने फ्रेंड्स की बड़ी करवाई थी जो उन्हें देने के लिए, ठीक है, बट कुछ को मैं दे नहीं पाया था। तो ये है एंड्रू, स्पेशल शाउट आउट एंड्रू मेरा भाई। तुम लोगों ने देखा होगा मेरी प्रीवियस कवर्स या वीडियोस में जो मेरा इंट्रो है शाल फ्रेड जिस पे लिखा होता है वो इसी बंदे ने, एंड्रू ने, इस बंदे ने सॉरी एंड्रू ने बना के दिया था। दिस इज कामरान। ये न्यू एडमिशन था स्कूल में, अक्सर मैं अपनी नानू का घर होता था एंड वहाँ ये करीब ही वहाँ रहता था, तो अक्सर मुझे अगर जाने में मसला होता तो स्कूल ही मुझे ले भी जाता था, तो साथ भी ले आता था। कुछ डेज उसने ऐसा किया भी था। थैंक यू सो मच कामरान। थर्ड है मेरा चड्डी बड्डी गैंग। ये पिक्चर, ये आई थिंक 9 की क्रिसमस पार्टी की पिक्चर है एंड ये सारे बहुत ड्रामेबाज थे, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं इनके साथ मेरी और बहुत चड्डी बड्डी वाली दोस्ती थी, समझ रहे हो बात। एंड बाकी जो बच चुका है वो मैं दे चुका था, मैंने 3 डायरीज बनाई थी या पता नहीं 2 डायरीज बनाई थी। एक मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड सवेरा को दी थी पूरी डायरी लिख के एंड कुछ पिक्चर्स उसमें पोस्ट करके, जैसे ये सारी पिक्चर्स देनी थी मुझे एंड्रू लोग को, उनको दी। एक मैंने एरिका को दी एंड एक आई गेस मैंने मलिहा को दी थी। एंड अब थोड़ा आते हैं कॉलेज लाइफ की तरफ। कॉलेज लाइफ में मेरा एक ना समझ लो करियर जो बनता है ना सिंगिंग का, लोग जानने लग गए थे, रिकग्निशन मिलने लग गई थी, परफॉर्म काफ़ी किया है। तो कॉलेज की मेमोरीज देखें तो मेरे पास मतलब डिजिटल मेमोरीज है मेरे पास, यानी फ़ोन में पिक्चर्स, कुछ मेमोरीज यूट्यूब पे वीडियोस। बट एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगा और काफ़ी मेमोरेबल जो मेरी लाइफ में रहेगा वो है मेरे कॉलेज का लीविंग सर्टिफिकेट। एंड ये लीविंग सर्टिफिकेट उसी डेट का है जब मैंने अपना लास्ट परफॉर्मेंस देना था सेंट पैट्रिक्स कॉलेज गर्ल्स की पार्टी में। देख रहे हो काफ़ी न्यू हालत में पड़ा हुआ है, अभी सारी चीज़ें न्यू हालत में पड़ी हुई हैं क्योंकि काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आई मिस यू ऑल। ये चीज़ें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हैं क्योंकि सबका दिल जीता है, तभी तो लोगों ने ऐसी चीज़ें दी हैं मेमोरी के तौर पर। पर कॉलेज लाइफ के मेरे पास दो मेमोरीज हैं एंड वो हैं ट्रॉफीज। मैंने 2 साल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पार्टिसिपेट किया था साम कॉम्पिटिशन में सिंगिंग में। एंड फर्स्ट ईयर में जब मैंने किया था तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनके अलावा जो एक स्पेशल परफॉर्मेंस का देना था वो मुझे मिला था। एंड सेकंड ईयर में मैं फर्स्ट आया था। अनफॉर्चुनेटली मेरी फर्स्ट ईयर की ट्रॉफी नीचे से टूट चुकी है जो कि मैं जोड़ सकता हूँ अभी भी, बट दोनों हैं पाकिस्तान में। तो अभी जब मेरा चक्कर लगेगा पाकिस्तान जब भी तो मैं लेके आऊँगा एंड एक बड़ा सा ब्लॉग भी करेंगे यार पाकिस्तान का। जाने से पहले मैं एक स्पेशल बात बोलना चाहूँगा, वो ये कि जो मैंने थोड़ी देर पहले ग्रेड्स वाली बात की, ग्रेड्स डोंट मैटर, ठीक है, सबके पास अपनी अपनी एक खूबी है एंड इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारी ग्रेड्स थोड़े से कम है तो इट डजेंट मीन कि तुम अनवर्दी हो और तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, यू आर द बेस्ट। ये कुछ चीज़ें हैं मेरे मैट्रिक एंड कॉलेज की मेमोरीज जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं एंड हमेशा संभाल के रखूँगा। आई विश मेरे पास मेरे 2 अवार्ड्स भी अभी होते बट अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में हैं, तो
doesn't matter. Thank you so much for watching this vlog. अगर ये vlog पसंद आया तो like, share and subscribe. Let me sign out. Chicken leg piece, 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 masala rice.